खबर जिला गाजियाबाद से, जहां लॉकडाउन के दरमियान बंद पड़ी ट्रेनों को चलवाए जाने की मांग को लेकर चुन्ना भट्टी के दर्जनों लोगों ने मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया, साथ ही रेलवे प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। शनिवार को समाज सेवी दीपक प्रजापति के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में दैनिक रेल यात्री मोदी नगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने मेरठ मुजफ्फरनगर गाजियाबाद और दिल्ली जाने के लिए ट्रेन सेवा चालू किए जाने की मांग की। समाज सेवी दीपक और सुनील शर्मा का आरोप है कि ट्रेन बंद होने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोग अपने रोजगार पर नहीं जा पा रहे। उनका ये भी आरोप है कि जब बसें एवं टैक्सी सुचारू रूप से चल चुकी है तो ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा रही है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। देखना है ट्रेन को, गाजियाबाद जाना था, कैसे जा, पैसा हमारे पास है नहीं। तो आपको गाजियाबाद जाना था लेकिन ट्रेन जब आपको पता चला हाँ। कि यहाँ ट्रेन नहीं चल रही है हाँ। तो आप कैसे जाएंगे? अब कैसे जाएंगे, घर को होते जाएंगे, काम बिगड़ो चाहे सुधरो, अब करा जा क्या जा, हमारा बहुत जरूरी का काम था गाजियाबाद का। तो बस भी चल रही है? बस भी चल रही है। बस में किराया तो नहीं है, मोदी ने पैसे तो नहीं दे रखे। मोदी चलावेंगे ट्रेन, गरीब आदमियों की सहायता करेंगे मोदी। ट्रेन चलती थी, डेली पैसेंजर यात्री थे, काफ़ी संख्या में लोग मोदी नगर से जाया करते थे। आज वो परेशान है सभी, कोई बाइक से जा रहा है, कोई बसों से जा रहा है। जब बसें चल गई हैं, एक्सप्रेस ट्रेन चल गई है, सरकार ने सभी चीज़ चला दी है, तो ये प्राइवेट या आपकी जो ट्रेन लोकल ट्रेन है लोकल सवारियों के लिए ये भी चलनी चाहिए। सब लोग परेशान हैं, रास्ते में जो जा रहे हैं कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बाइक से जा रहा है वो एक्सीडेंट होता है, उससे असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हर व्यक्ति परेशान है, मजदूर दबका परेशान है, मगर कोई उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हमने आज एक ये प्रोग्राम बनाया है जिससे जुलूस निकाला गया है, सभी लोग उसमें सम्मिलित हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर सरकार ने ट्रेनों पर रोक लगा दी थी, जिनमें से कुछ एक ट्रेनों को छोड़कर अधिकांश ट्रेनें आज भी बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।